या हम वहाँ पहुँचे मकान नंबर चेक कराने के लिए कि किसके नाम से दर्ज है, तो ये लोग आपस में मार कर रहे थे। इनको लगा कि या तो हम मोबाइल से पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं या तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी वजह में हमारा मोबाइल 5,000 रुपये छीने हैं और मारे हैं। जब यहाँ पर आए हैं तो फिर क्या किया? यहाँ आए FIR दर्ज। इंस्पेक्टर ने क्या कहा गिरफ्तारी करने के लिए? हाँ बोले कि गिरफ्तारी करेंगे, FIR दर्ज किए हैं, अभी जो है मेडिकल कराएंगे उसके बाद। मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है, बेनीपुर जोन का निरीक्षक रहता हूँ। धर्मेंद्र जी, आज क्या घटना हो रही है, कितना हाथापाई हो बताना। हमारे यहाँ एक बिल कलेक्टर हैं नीरज सिंह, उनके द्वारा मुझे अपशब्दों का प्रयोग किया गया। एक चेक बाउंस हो गया था जिसके लिए मैं अपने मोहल्ले का था 24/103 का, उसके लिए मैंने उसको बोला कि भैया आप चेक जमा कर दो। उसने कहा आप नीरज सिंह को जानते हैं, मैं चेक जमा कर दूंगा लेकिन आप नीरज सिंह को जानते हैं? हम नहीं जानते नीरज सिंह को। उसके बाद उसने नीरज सिंह को बताया और नीरज सिंह आके कार्यालय में अपने 10 मित्रों के साथ लात घूसों से मुझे मारा। और मैं बिल्कुल ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा, महामंत्री जी, सेंट्रल बार स्टेशन बनारस वाराणसी। आज आपके एक अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ है, उसको लेकर के आप अभी अधिवक्ता लोग क्या कर रहे हैं? हमला के वजह से अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है और अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो अधिवक्ता समुदाय किसी भी स्तर तक जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। यह मात्र अधिवक्ताओं के लिए ही नहीं है, ये जंगल राज कायम हो गया है। एक नगर निगम का कर्मचारी है जो नीरज सिंह, जो कभी न वो ड्यूटी पर आता है न ड्यूटी करता है और अपने आप को यहाँ के एक मंत्री का बड़ा नज़दीकी अपने आप को बता रहा है, चाहे वो मंत्री का नज़दीकी हो, चाहे वो योगी का हो, चाहे वो मोदी का हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लिया है तो अधिवक्ता समुदाय काफ़ी मर्माहत है, घटना से दुखी है। इसके लिए बार से लेकर सड़क तक लड़ाई अधिवक्ता समुदाय लड़ने के लिए तैयार है। घटना है कि धर्मेंद्र वर्मा कर निरीक्षक हैं जोनल ऑफिस बेलीपुर में और दूसरे सेकंड कर निरीक्षक हैं नीरज सिंह। तो उनका कहना है कि कहीं से कुछ चेक वेक लेके आए थे वर्मा जी, जो कि बाउंस हो गया, तो उससे बात की, उसने कहा कि नीरज सिंह को जानते हैं, उनने काम नहीं जानते हैं और इस पर इन दोनों लोगों में विवाद हो गया, मारपीट होने लगी। उसी बीच कोई वकील साहब थे वो पहुँचे और वो वीडियो बनाने लगे, तो नीरज सिंह और उनके साथियों द्वारा उनको भी मारपीट कर दिया गया, उनके साथ भी इसका मुकदमा लिखा गया है, डिवीजन सत्र अधिकारी महोदय द्वारा की जाएगी, चूंकि SC/ST के डिवीजन लिखा गया है, सत्र अधिकारी महोदय।